हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? ऐसा कहते सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी पे। तो दोस्तों, मैं सोच रही हूँ क्यों ना अभी ना उठी हूँ तो गले में खराश हो रखी है ना, हाथों तुले पर खराश हो रही है, क्योंकि अब रात को पंखा चला तो वैसे पहले से ठंडा होने लग गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं डेली ब्लॉग शुरू करूँ, आपको दिखाया जाए कि वैसे यहाँ तो कुछ होता नहीं है बनाने को दिखाने को गांव की तरह, तो फिर भी मैं सोच रही हूँ क्यों ना डेली व्लॉग शुरू किया जाए। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या होता है। तो आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहे और चलो चलते हैं सुबह की चाय बनाते हैं। कर रही हूँ सुबह के 5:30 बजे से, और मैं आपको दिखाती हूँ सुबह का मौसम कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, और सामने से पहाड़ भी दिखते हैं यहाँ पर, जो कि नैनीताल के पहाड़, मतलब पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। मैं आपको दिखाती हूँ सुबह का व्यू, ये है सुबह सुबह का व्यू। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी, लगे लगे अभी लोग उठे भी नहीं है, हमने तो के नहा धो भी लिया। और ये हमारा रहा आंवले का पेड़, यहाँ पर हमने लगा के फूल। तो चलो ये देखो, बहुत अच्छा मौसम है और छत से तो और प्यारा लगता है। तो मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, तो अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ता मम्मी जी बनाना है दलिया, तो चलो चलते नाश्ता बनाते हैं। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पर दलिया नाश्ते में। दोस्तों मेरा यहाँ पर दलिया बन रहा है, मैंने इसमें दूध डाल दिया, पहले थोड़ा सा पानी में पकाया, फिर अब दूध डाल दिया और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दे। सुबह सुबह नाश्ता बनाने के लिए अच्छा रहता है, जल्दी भी बन जाता है और हेल्दी भी रहता है, इनको बहुत पसंद है। तो मैंने जल्दी से बना दिया और ज़्यादा इसको बनने में टाइम भी नहीं लगता, जल्दी बन जाता है। दूध डाल दिया, थोड़ा सा पकेगा फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी, बस फिर बन जाएगा। तो दोस्तों हमारा नाश्ता हो चुका है, नाश्ता करने के बाद अभी जा रहे हैं स्कूल को, और फिर उसके बाद मुझे कपड़े धोने हैं बहुत सारे। आज हमारा एक काम है कि हमें मंदिर साफ करना है, क्योंकि अब नवरात्रि आने वाली हैं, फिर कुछ टाइम बाद दीपावली भी आ जाएगी, तो हम नवरात्रियों की साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो हमें आज मंदिर साफ़ करना है और ये चले स्कूल को। तो हम आपको मिलाने वाले हैं आज एक मेहमान से, नन्हे से मेहमान की, जो हमारे घर में आए हैं। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं मेहमान से, छोटे छोटे से मेहमान। तो यहाँ पर मैं अभी जोर से नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो अभी तक बहुत चिल्ला रहे, बहुत अभी बड़े में फिर मेरा बस। तो मैं आपको पास से नहीं दिखा सकती उनको, क्योंकि वो जैसे ही मेरी आवाज़ सुन रही है, किसी की भी आवाज़ सुन रही है, तो वो उठ जा रही है, क्योंकि अभी छोटे से पिल्ले हैं। आँख तो उनकी खुल गई है, पता नहीं अभी तक तो वो कहाँ थी, हमारे यहाँ पर कल ही लेके आ रखा है वो, और उसने 4 बच्चे दे रखे हैं, अभी तक तो वो यहीं थी बिल्ली, अब पता नहीं कहाँ गई। तो अभी तक सोई थी वो, मेरी आवाज़ सुनते ही चिल्लाने लगी, तो मैं गेट खोल देती हूँ। अभी बहुत सारा काम पड़ा है, अभी तो कुछ भी नहीं किया है सुबह का। सुबह का ही काम हो रहा है, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, नाश्ता और सारा काम लगता है। तो चलो चलते हैं, फिर हम काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। धूप भी काफ़ी अच्छी आ रखी है और अब तो ठंड के दिन भी आने लग गए हैं हल्का हल्का, मतलब पंखे की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है यहाँ पर, पहले से सही है, मतलब गर्मी नहीं है, नॉर्मल मौसम हो रहा है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों मेरा मंदिर का काम शुरू होने लग गया है, मैं कह रही हूँ सारा सामान यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा मंदिर का सारा सामान काम होने लगा है, मैंने सारा सामान सेट कर दिया है, कुछ सेट कर दिया है, कुछ नहीं कर रखा है, आधे यहाँ पर वैसे ही है, मैं इनको सेट पर रखूँगी यहाँ पर। दोस्तों मंदिर का काम हो चुका है, मंदिर में
मतलब हमें लगा लो आप 9 बजे से 9 साढ़े 9 ऐसे गए थे और हमारा काम हो 12:30 बजे ख़त्म। तब जाके सारा काम हो चुका है, खाना भी बन चुका है, अब खाना खाते हैं मंदिर के। अभी मैंने चुनरी वगैरह धो रखी है, लगाई नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं आप सफाई करने के बाद कितना चमक रहा है, कितना साफ हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने चुनरी मुंदी साफ नहीं धो रखी है, फिर उसके बाद लगाऊंगी, फिर उसके बाद दिखाऊंगी। दोस्तों अब हम 2 बज चुके हैं, अब हम खाना खाते हैं। पर जो मंदिर का काम था ना, होता बहुत है, दिखता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है, ऐसे काम अंदर के काम दिखते नहीं है। हमने सोचा आधा एक घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, पर नहीं, फिर भी लग गए हमें 2.5-3 घंटे लग चुके हैं। 2 बज गए अब तो, अब खाना खाते हैं, फिर मिलेंगे आपसे बाद में। तो दोस्तों बज चुके हैं शाम के 5 और मैं खाना खा के सीधे सो गई थी और रेस्ट किया था उधर, क्योंकि थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा और अभी तो जुकाम भी लग गया है मुझे। खाना खाने के बाद सो गई थी सीधे, तो अब जुकाम सा लग रहा है। वैसे मुझे जुकाम लगते रह रहा है, ठीक होते रह रहा है, सुबह भी लगा था, पर एक बार ठीक हो गया था, अभी और लग गया क्योंकि ठंडे में काम किया था ना, मौसम भी चेंज हो रहा है इसलिए। तो बस अब शाम हो गई है, 5 बज चुका है, थोड़ी देर में शाम का खाना बना बनाएंगे, सब्ज़ी बनाएंगे। तो और ये अभी पढ़ा रहे हैं ट्यूशन और बस मम्मी पापा अंदर हैं, टीवी देख रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मेरी वीडियो पे ज़्यादा लोग ना, जो सब्सक्राइब लोग हैं वो ज़्यादा नहीं देखते, जो अनसब्सक्राइब लोग हैं वही ज़्यादा देखते हैं। तो यार वीडियो देखते हो तो वो सब्सक्राइब करते हुए जाया करो, तो पता चलेगा कि अगली वीडियो आने में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। तो यहीं पे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।